नमस्कार, ये सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरें। हिमाचल प्रदेश में आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सीएम अनाउंस होते ही भावुक हुए सुक्खू। जी हाँ, जब सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री घोषित किया गया तो वे भावुक उठे। पूरी खबर आपके साथ साझा करेंगे। हिमाचल से बाहर माननीयों का वीआईपी ट्रीटमेंट बंद। जी हाँ, हिमाचल से बाहर नेताओं का अब वीआईपी ट्रीटमेंट बंद हो गया है। पूरी खबर क्या है, पूरी जानकारी आपके साथ ये साझा करेंगे। हिमाचल में अटल टनल पर सियासत। जी हाँ, हिमाचल में अटल टनल पर सियासत गर्मा गई है। पूरी खबर क्या है, पूरी जानकारी आपके साथ ये साझा करेंगे। तो ये है आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और एनएसबी न्यूज को स्टार भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हम इसी उत्साह के साथ हर दिन हर खबर से आपको रूबरू करवाते रहे। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में इस सर्दी के मौसम में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश की राजधानी शिमला में 7 साल बाद अधिकतम तापमान में उछाल आया है। सोमवार को शिमला का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इससे पहले दिसंबर 2016 में 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव गोकुल बुटेल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रधान सलाहकार आईटी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव आरडी धीमान की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। वीरभद्र सिंह की सरकार में भी गोकुल बुटेल को सलाहकार नियुक्त किया गया था। सलाहकार आईटी के रूप में उनका रैंक कैबिनेट मंत्री के स्तर का होगा। हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समेत कांग्रेस विधायक कल दिल्ली रवाना होंगे। ये सभी राजस्थान में 16 दिसंबर को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेंगे। इसके बाद 17 दिसंबर को सभी कांग्रेस विधायक हिमाचल का रुख करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार होंगे। उन्हें कैबिनेट मंत्री का रैंक दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने मंगलवार को प्रधान सलाहकार का एक पद सृजित करने के साथ ही नरेश चौहान के इस पर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के अधीन आने वाले सभी जिलों में पीजी कक्षाओं की पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं 29 दिसंबर से शुरू होने जा रही हैं। इसके लिए विभिन्न कॉलेजों में परीक्षा केंद्र भी बना दिए गए हैं। परीक्षाओं की डेटशीट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों के पंजीकरण सही पाए गए उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों से संवाद कार्यक्रम के तहत राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने मंगलवार को शिमला के निकट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ड्योलिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को अच्छी आदतें विकसित करने और पुस्तकें पढ़ने की सीख दी। हिमाचल से बाहर माननीयों का वीआईपी ट्रीटमेंट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री से मिले आदेशों के बाद सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी ने भी बिना किसी देरी के इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। दिल्ली चंडीगढ़ में ही नहीं बल्कि शिमला के बिल्ली पार्क में भी ठहरने पर उन्हें कमरे का पूरा रेंट चुकाना होगा। जीएडी ने आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की आंखें उस वक्त भर आई जब विधायक दल की मीटिंग में मुख्यमंत्री के लिए उनका नाम चुना गया, उनके नाम की घोषणा हुई। उन पलों का वीडियो अब सामने आया है जिसमें सुक्खू अपने आंसू पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के लिए नाम की घोषणा होते ही सुक्खू को अपनी बात रखनी थी। मीटिंग में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वे सीट से उठे तो भावुक हो गए। हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलते ही अटल टनल पर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 5 दिन में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम वाली शिलान्यास पट्टिका लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बीजेपी अब सरकार पर गड़े मुर्दे उखाड़ने के आरोप लगा रही है। इसके बाद कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गई है। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में बी फार्मेसी के प्रथम वर्ष में डायरेक्ट एंट्री के लिए मंगलवार को काउंसलिंग प्रक्रिया का आयोजन किया गया। ऑनलाइन काउंसलिंग में राजकीय फार्मेसी कॉलेज सराज और नगरोटा बगवा में पात्र अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की गई हैं। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज सुपर भारत के साथ। न्यूज सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित।
सत्य सटीक निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।